ये मेरा बेटा है, इसका नाम विनोद है। जी, पंडित जी ने बताया था। पंडित जी ने तो आपको बता ही दिया होगा, समाज में हमारी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा है। रिश्ते तो हमारे पास कई सारे हैं, पर मैं अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहती हूँ जो सर्वगुण संपन्न हो, सब देखे तो देखते ही रह जाएं। ऐसी गुणी बहू चाहती हूँ मैं। जी अम्मा जी, आपके खानदान का नाम सुना है हमने, और मेरी बेटी बहुत प्यारी है। अगर रिश्ता हो गया तो वो आपके घर को बहुत सुखी रखेगी। बहुत गुणी है मेरी बेटी। अच्छा, बातें तो बहुत हो गई, जरा अपनी बेटी को तो बुलाइए। जी अभी बुलाती हूँ। सुमन बेटा, आ जाओ बेटा। दिखने में तो सही लग रही है। जी नमस्ते। हाँ हाँ, खुश रहो। कितने साल की है आपकी बेटी? जी 26 साल की है। हे राम, 26 साल की लड़की, और आपने अभी तक घर पे बिठाई हुई है? अम्मा जी, दरअसल इसकी पढ़ाई चल रही थी, इसीलिए पढ़ाई कंप्लीट करके सीधे हमने इसकी शादी कराने का ही सोचा है। जी अम्मा जी, क्योंकि हमारी गुड़िया ने कहा था कि पहले वो पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती है और उसके बाद ही शादी करेगी, इसीलिए हमने लड़कियों को इतनी पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, आपको तो ख्याल करना चाहिए था ना इसकी उम्र का। देखो अब हो गई ना 26 साल की, कैसे मिलेंगे रिश्ते। आपका बेटा कितने साल का है? मेरा बेटा ये 32 साल का है। इसका तो थोड़ा देरी से इसलिए हुआ है क्योंकि इसका मन नहीं था शादी करने का, इसने सोचा था कि थोड़ा लेट ही शादी करेगा। ओह, पढ़ाई की वजह से या फिर कोई बिजनेस? पढ़ाई, पढ़ाई की क्या ज़रूरत है मेरे बेटे को, हमारा इतना बड़ा खानदान है, इतना नाम है हमारा, और बिजनेस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारा तो किराया ही बहुत आ जाता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकती हूँ आपका बेटा कितना पढ़ा लिखा है? हमारे पूरे खानदान में पहला लड़का है जिसने 12वीं पास की है, वो भी पहली बार में। मेरे पति तो तीसरी चौथी बार में भी 12वीं पास नहीं कर पाए थे। बहुत होनहार है मेरा बेटा। माँ, ये कैसा रिश्ता लेकर आ गई हो तुम? अरे बेटा अभी चुप हो जाओ। क्या बात है? जी कुछ नहीं, मेरी बेटी दरअसल ये पूछ रही थी कि आपके लिए खाने के लिए कुछ और लेकर आ जाएं। अरे नहीं नहीं, खाने तक तो बात ठीक है, पर क्या आपकी बेटी ने ये खुद बनाया है? क्योंकि मेरे बेटे को तो खाने का बहुत ज्यादा ही शौक है, हर दिन कुछ नया बनाकर खिलाना होगा अगर रिश्ता पक्का हो जाता है तो। जी हाँ, ये मेरी बेटी ने ही बनाया है, बहुत शौक है इसे खाना बनाने का। दरअसल इसने पढ़ाई भी उसी चीज में की है, ये पेस्ट्री शेफ बनना चाहती है। क्या, मेरी होने वाली बीबी एक बनाएगी? अरे आंटी जी, वैसे अब इन्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा तो किराया ही इतना आ जाता है। अब बुरा ना माने तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। क्या नौकरी? अरे तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है, जब अभी अभी मेरे बेटे ने बताया कि हमें पैसों की कोई कमी नहीं है। जी नौकरी मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा सपना था कि मैं एक दिन पेस्ट्री शेफ बनूं और अपना नाम कमाऊं। बहुएं घर की चार दीवारी में ही अच्छी लगती हैं, ना कि बाहर घूमती हुई। माँ जरा साइड में आना। जी तब तक आप बातें कीजिए, मैं जरा अभी आती हूँ। बीच में क्यों उठा के लेकर आ गई? माँ ये कैसे जाहिल लोग हैं, इन्हें तो मेरी पढ़ाई की कोई भी कदर नहीं है। और क्या कह रही थी वो आंटी कि मुझे नौकरी नहीं करने देंगी? माँ प्लीज, मैं ऐसे घर में बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती हूँ जिनकी थिंकिंग इतनी ऑर्थोडॉक्स हो। देखो माँ, तुम्हारे कहने पे मैं लड़के से मिलने के लिए भी तैयार हो गई थी, पर वो भी मुझे बहुत ज़्यादा इमेच्योर लगा। कितना डम है वो, बिल्कुल भी बीच में नहीं बोला किराया आ जाता है। सिर्फ नौकरी के लिए ही तो मना किया है, मेरी बेटी राज करेगी। माँ अरे बेटा अभी तू आ जा, अभी सही से बातें करेंगे। और मैं कौन सा ज़बरदस्ती कर रही हूँ तुझे शादी करने के लिए, पहले खुल के बातें कर ले, अगर तुझे नहीं होगा ये रिश्ता मंजूर तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, आपको मेरी बेटी से कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। हाँ, घर का काम तो आपकी बेटी को आता ही होगा। जी वैसे आपकी बेटी की उम्र काफ़ी ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं, हमें ये रिश्ता मंजूर है। क्यों बेटा, तुम्हें कैसी लगी लड़की? अरे माँ मुझसे क्यों पूछ रही हो, अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है ना। मेरे बेटे को भी कोई आपत्ति नहीं है, तो चलिए रिश्ता पक्का हुआ। और हाँ, हमारी कोई डिमांड भी नहीं है,
जो देना है अपनी बेटी को दे दीजिएगा। मैंने अपनी बेटी की शादी की थी, 10 तोला सोना दिया था और एक गाड़ी दे दी थी। बाकी कैश तो हर कोई दे ही रहा है आजकल। मैंने 50 लाख कैश दिया था। आपको जो जैसा लगे वैसा कर दीजिएगा। तो चलिए मुँह मीठा करते हैं, रिश्ता पक्का हो गया है। रुकिए ज़रा, मैं अपनी बेटी से तो पूछ लूँ। हाँ, आप अपनी बेटी से पूछेंगी? इसमें पूछने जैसा क्या है, हीरा जैसा बेटा है मेरा। जी, अपने ज़िंदगी के फैसले खुद ही करती है, और वैसे भी ज़िंदगी इसे बितानी है। बेटा, तुम्हें कैसा लगा ये रिश्ता? क्या तुम चाहती हो ही शादी करना? माँ, इन्होंने मुझसे कई सारे सवाल कर लिए, अब मैं इनसे सवाल करना चाहती हूँ। क्या ज़माना आ गया है, अब लड़कियाँ सवाल करेंगी। खाने में आपको क्या क्या बनाना आता है? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। कपड़े धोने आते हैं आपको? क्या कपड़े? कपड़े मैं क्यों धोऊंगा? अगर आप नौकरी ढूंढे तो आपको 1 महीने में कितनी सैलरी मिलेगी? सैलरी? मुझे सैलरी का क्या करना है? मेरे तो किराया आता है। हाँ, एग्जैक्टली। कल को अगर तुम्हारा घर छिन जाए या तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे तो तुम अपना पेट पालने के लिए क्या करोगे? नौकरी तो करोगे ना? अरे अरे, आपकी बेटी तो बहुत पटर पटर बोलती है। अरे अरे आंटी, जब आप सवाल कर रही थी मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। अभी आपके बेटे को जवाब देने दीजिए ना। हे राम, बड़ी ही शातिर लगती है ये तो। बोलिए बोलिए, आप जवाब दीजिए। यही कोई 20 हजार शायद। मेरे पास ऑफर लेटर है पूरे 45,000 रुपीज का। इतनी सैलरी मिल रही है मुझे, और ये तो मेरी शुरुआती सैलरी है। आगे मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। आपके बेटे को ना खाना बनाना आता है, ना कपड़े धोना आता है, कुछ भी नहीं आता। आज के टाइम पे लड़का लड़की बिल्कुल बराबर है। अगर लड़की कपड़े धो सकती है तो लड़का भी धो सकता है, और खाना बनाना भी आना चाहिए। अगर कल को मैं ऑफिस चली गई और थकी हारी आई तो मुझे खाना तो चाहिए होगा ना। खैर, आपको समझ नहीं आएगा। और हाँ, क्या कह रही थी आप दहेज के बारे में? साफ साफ समझ आ रहा है, 10 तोला सोना, 50 लाख रुपए और एक गाड़ी। आप यहाँ पर अपने बेटे का सौदा करने आई थी। बहुत कह रही थी आप कि आपका तो किराया आता है। लेकर चले जाइए अपने किराए के बेटे को, हमें नहीं चाहिए। अरे बेटा शांत हो जाओ, बहुत हुआ, हम इतना अपमान नहीं सहेंगे। बोलिए अपनी बेटी को कि शांत रहे, वरना हम रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। दरवाजा उस तरफ है अम्मा जी। चल बेटा, चल यहाँ से। बाप रे, भागो यहाँ से। वैसे माँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं बेटा, तूने बिल्कुल गलत नहीं कहा, बल्कि मुझे तो आज बहुत गर्व हो रहा है तेरी सोच पे। तूने उन्हें कितना अच्छा जवाब दिया, शायद मैं ऐसा जवाब कभी भी नहीं दे सकती। मुझे तुझ पे नाज है। हाँ बेटा, जब तुझे अच्छा लगे तो तभी शादी करियो। खूब तरक्की कर, खूब नाम बना, जो तुझे ज़िंदगी में करना है वो कर। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है।